हेलो एवरीवन, साइमन दिस साइड। आज हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आपको इंटरनेशनल बायर के सामने खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है और आपके प्रोडक्ट कैसे रिप्रेजेंट करना होते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिक देखेंगे, अपकमिंग वीडियो में हम एक और डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये वीडियो हाउ टू फाइंड बायर्स फॉर एक्सपोर्ट का वर्जन है, जहाँ पर हमने एक स्टेप बाय स्टेप देखा था। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है इंटरनेशनल बायर के साथ। आज का वीडियो है कि अपॉइंटमेंट लेने के बाद खुद को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिक में भी शायद आपके लिए कुछ नए पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आप वो जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रीज़न भी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। सो लेट स्टार्ट। देखिए, जब भी आपका अपॉइंटमेंट फिक्स होता है तो यूजुअली एक बेसिक बताता हूँ कि न्यू कमर्स क्या करते हैं और एडवांस लेवल में, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जब भी मीटिंग के लिए जाते हो इंटरनेशनल बायर के साथ, मतलब आप मीटिंग में, मीटिंग रूम में हो, कॉन्फ्रेंस रूम में हो, जहाँ पे भी आप उनसे मिल रहे हो, तो आपको क्या करना है, आप ऑलवेज कैरी योर लैपटॉप, लैपटॉप पे लेके जाओ और वो भी आप उनको लैपटॉप पे अपनी वीडियोज दिखाओ रैदर देन ऑन फोन। फोन के ऊपर मत दिखाना कभी, बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप उस लैपटॉप में रिप्रेजेंट करो कि अपने फैक्ट्री का वीडियो, या तो आप किसी का लोडिंग कर रहे हो, आपका लोडिंग हो रहा है ना, तो आप लोडिंग की वीडियो दिखा सकते हो, या तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का दिखा सकते हो। अगर आप ट्रेडर भी हो, मतलब मर्चेंट एक्सपोर्टर भी हो, फिर भी जहाँ से आप बाय करोगे वहाँ के आप वीडियो को रिप्रेजेंट कर सकते हो उनके सामने। और उसके बाद आपकी प्रीवियस कंसाइनमेंट होगी तो आप उनको दिखाओगे कि ये मेरा प्रीवियस कंसाइनमेंट था, उसकी लोडिंग थी, तो एक इफेक्टिव पड़ जाता है कि लोगों को देखने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, उस वीडियो में आप क्या कर सकते हो कि आप अपना वर्क फोर्स दिखा सकते हो कि ये हमारा प्रोडक्शन ऐसा होता है, कि उसका प्रोसेस कैसा है, लाइक आपके एम्प्लॉयज़ कैसे काम करते हैं, उससे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। और ऑलवेज रिमेंबर कि आप जितने सैंपल ले जा सकते हो उतना कैरी करो, जितना सैंपल, मतलब आप एक्स वाई जेड प्रोडक्ट में प्रोडक्ट स्पेसिफाई भी रहो, बट समटाइम्स ऐसे होता है कि उसके बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो माइट भी वो इस प्रोडक्ट में ना हो कि उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो। तो आई होप थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे, ये तो बेसिक है जो अब न्यू कमर यूज़ करता है। आप इसके पे फोकस कर सकते हो कि लैपटॉप लेके आप अपना पूरा सिस्टम उनको दिखा सकते हो, रैदर देन कि आप उनको मेल कर रहे हो, पूरा प्रोडक्ट कैटलॉग दिखा रहे हो, इसमें इतना मज़ा नहीं आएगा क्लाइंट को समझने के लिए। सो आई होप कि कुछ आपको थोड़ा सा कुछ नया चीज़ समझ में आया होगा। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में जानना या ट्रेनिंग लेना या सीखना है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ कॉल कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे बता सकते हो, सो आई कैन सॉल्व योर क्वेरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।